टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और पति अभिनव कोहली के 5 साल के बेटे की कस्टडी का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुना दिया है। कोर्ट ने 5 साल के बेटे रियांश की कस्टडी श्वेता तिवारी को दे दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया है कि अभिनव को अपने बेटे रियांश से डेली 30 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने और हर वीकेंड 2 घंटे के लिए मिलने की इजाजत दी है। कोहली का ये भी कहना था कि श्वेता अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं, तो वो अपने बेटे का ध्यान कैसे रख सकेंगे। कोहली ने ये भी बताया कि 2020 में उनके बेटे को कोविड हुआ था और उस समय पर उसका ध्यान अभिनव और अभिनव की माँ ने रखा था। कोहली ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने 2019 में कोई काम नहीं करने का फैसला लिया था ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमारे मुताबिक किसी बच्चे की देखभाल और उसके विकास के लिए उसके माता पिता के काम के अनुसार डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो अपने बच्चे का ध्यान ठीक से रख सकेंगे या नहीं। कोर्ट का फैसला आने के बाद श्वेता तिवारी की तबीयत भी बिगड़ी थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। कुछ समय पहले श्वेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की थी, जिसमें श्वेता ने आरोप लगाए थे जिसमें वो अपने सोसाइटी के बाहर प्ले एरिया में जमीन पर लेटी नजर आ रही थी। गोद में बेटे रियांश को लिया हुआ था और उनके पति अभिनव कोहली उनसे बच्चा छीनते नजर आ रहे थे। श्वेता तिवारी का वो वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ था। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच ये विवाद कहां से शुरू हुआ, बताते हैं आपको शुरुआत से। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है जब श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अभिनव कोहली पर नशे में मारपीट करने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने साल 2013 में अभिनव कोहली से दूसरी शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही साल 2019 में इनके बीच अनबन की खबरें आने लगी थी। श्वेता और उनकी बेटी पलक तिवारी ने पुलिस में अभिनव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों का आरोप था कि अभिनव उनके साथ मारपीट करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कारण अभिनव को 2 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। श्वेता और अभिनव 2019 से ही अलग रह रहे हैं। दोनों बच्चे श्वेता के साथ ही रहते हैं। इसके बाद से अभिनव कई बार श्वेता पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वो उन्हें उनके बेटे रियांश से मिलने नहीं देती हैं। उनका कहना है कि वो जब भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने श्वेता के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब फैसला अभिनव कोहली के हक में आया है। कोर्ट ने उन्हें उनके बेटे से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करने और वीकेंड पर मिलने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि श्वेता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के शो दुश्मन से की थी, लेकिन उन्हें घर घर पहचान बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कसौटी जिंदगी ने दिलाई। इसके बाद उन्होंने नच बलिए, परवरिश बालवीर जैसे कई टीवी सीरियल्स करे हैं। उन्होंने कई सारे रियलिटी शो में हिस्सा लिया है, जिसमें इस जंगल से मुझे बचाओ, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो शामिल हैं। उन्होंने छोटे पर्दे के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा वह हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। श्वेता तिवारी की शादी की बात करें तो उनकी पहली शादी साल 1999 में राजा चौधरी से हुई, जिससे उन्हें एक बेटी है जिसका नाम पलक तिवारी है। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और दोनों का तलाक हो गया। श्वेता की दूसरी शादी साल 2013 में अभिनव कोहली से हुई है, जिससे उनका बेटा है जिसका नाम रियांश कोहली है।